पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गीता ज्ञान में तुझे उस पर उस पूरे विस्तार इस सृष्टि रचना को नहीं बता पाऊंगा, संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग मैं नहीं बता सकता। यहाँ विचार काल में जैसा मैं तुझे कह रहा हूँ मैं नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, क्योंकि मुझे इसका ना आदि का वेरा ना इसके अंत का। गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहे, देखो इस संसार वर्ष का यानी सृष्टि रचना का पूरे विश्व का असंख्य ब्रह्मांडों का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में या तेरे और मेरी चर्चा में नहीं यानी गीता ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति। यानी गीता ज्ञानदाता का मुझे इसके बारे में विशेष कोई ज्ञान नहीं है। इस सुविरुद्ध मूलम, सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं पढ़ना, ये वैसे ना सट्टे मार रखे। इसलिए इस अति दृढ़ मूल वाले, अति दृढ़ माने वो मूल रूपी जो स्थान है परमात्मा है ऊपर जड़े, वो तो बिल्कुल अविनाशी है, वो अति दृढ़ है, वो कभी नाश न होने वाला है। संसार रूपी पिपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर, नहीं ये लिखना चाहिए कि वो उस संसार रूपी वृक्ष के को समझने के लिए उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा समझ कर उसे काट कर, छितवा माने काट कर यानी उस उलझी हुई गुत्थी को, इसको उलझे हुए ज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात उससे समझ कर उसके पश्चात, अब चौथे में क्या बताया है, तत्व ज्ञान समझने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी जिनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञान दाता कहता है कि उसी के मैं शरण हूँ और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, यानी उसी की पूजा कीजिए। स्पष्ट किया है कि उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिल गया और वो उस ज्ञान के आधार से फिर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते, फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है जिस भगवान ने और उसी आदि पुरुष नारायण के वह उस सच्चिदानंद गण ब्रह्म के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कह मैं भी उसी की शरण में हूँ और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी की पूजा कीजिए। अपने आत्माओं तीन परमात्मा है, तीन ब्रह्म है, तीन भगवान है, एक थर ब्रह्म शर ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन काल है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ये सर ब्रह्म, और जो अक्षर ब्रह्म है अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं, ये 7 शंख ब्रह्मांड का नील पद्म शंख 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर ब्रह्म ये असंख्य ब्रह्मांड का कुल ओवरऑल कंट्रोलर है,
वो असंग ब्रह्म का मालिक है, वो वास्तव में अविनाशी है। अब तीन परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के आगे देखिए श्लोक नंबर 16 और 17 में। अपुण्यात्माओं, जैसे टीचर होता है और टीचर एक क्लास को पढ़ाता है, प्रत्येक बार उसके नए स्टूडेंट होते हैं और उनको फिर नए सिरे से उसी तरह रटना करवाता है, तो इसी प्रकार आप जी सभी नए स्टूडेंट थे, आपने 100 बार सुन रखा है इस ज्ञान को, फिर भी आप नए हो, प्रत्येक बार आपको कोई न कोई नया और ज्ञान आपके हृदय में समावेगा, इसलिए रह रहकर आपको ये ज्ञान कराया जा रहा है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, ताकि हम परमात्मा को पहचान सकें और यहाँ से पीछा छुटवा सकें। आपको इतना दृढ़ कर देना चाहता ये दास कि आपको यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर आपसे वार्ता करें तो आप उनको उनकी बातों में नहीं आ सकते, उन्हीं को आपसे ये प्रसन्न होना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, आपके ज्ञान का लाह मानना पड़ेगा। अब देखिएगा पंद्रहवें अध्याय का 16 और 17 श्लोक, अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16। इसमें दो भगवान है, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, शर पुरुष शर च अक्षर एव च सर अक्षर सर्वाणी भूतानी कटुस्त अक्षर उचेते। इसका अर्थ है कि इस लोक में, इस पृथ्वी वाले लोक में, ये अक्षर पुरुष और सर पुरुष के लोक को पृथ्वी वाला लोक बोला जाता है, ये नाशवान है और सतलोक अविनाशी है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में द्वौ माने दो पुरुषौ, सर पुरुष और अक्षर पुरुष दो भगवान हैं, और इसी प्रकार और इनके लोकों में, इन दो इनके लोकों में सभी प्राणियों के भूतानी माने प्राणियों के सतुल शरीर तो नाशवान है, सर है और या जीवात्मा अविनाशी कहते हैं। इनके अनुवाद में देखिए, इन्हीं का अनुवाद, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के प्रभु हैं, दो प्रकार के भगवान हैं। क्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के भगवान हैं, और इनके लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। 17वें में क्लियर किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, यानी पुरुषोत्तम तो कोई उत्तम पुरुष, वो सही श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम तो इन ऊपर वाले 16 वर्णित इन दोनों से, सर पुरुष से और अक्षर पुरुष से कोई और है, अन्य है, और उसी को भगवान वो परमात्मा कहलाता है। यह लोक तरम आविश्य विवर्ति अवैश्वर है, उत्तम पुरुष है तो अन्य ही है, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है वो श्रेष्ठ भगवान, और जो तीनों लोकों प्रवेश करके यानी जड़ रूपी भगवान मूल रूपी परमात्मा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबको उसी से आहार मिलता है, जड़ से पूरे पेड़ को आहार मिलता है, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब यहां देखिए थोड़ी सी यहां विचलित हो जाते हैं, 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है, ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि क्योंकि मैं सर्व जड़ वर्ग नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अक्षरात अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। ये सरस्वत स्पष्ट कहता है कि मैं जड़ वर्ग क्षेत्र यानी इस सथूल शरीरधारी प्राणी जो मेरे अंतर्गत हैं और चय जीवात्मा रूप में है, इनसे मैं तगड़ा हूं जो मेरे अंतर्गत है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में, चाहे तो वो जीवात्मा रूप में है चाहे वो सथूल शरीरधारी मनुष्य देवता है, उनसे मैं अतीत हूं, उनसे तगड़ा हूं, उनसे सुपीरियर हूं, इसलिए लोक वेद के आधार से, लोक वेद होता है दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान के आधार से, मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं
क्यों, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। पुरुषोत्तम तो 17वें श्लोक में कह दिया, 15वें गए कि लोकवेद क्या था, जैसे हम अभी तक वर्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ माना करते थे, इनके ऊपर कोई भगवान नहीं यही जाना करते थे। यो लोकवेद था, दंत कथा थी, सुनी सुनाई ज्ञान था, ये यथार्थ ज्ञान नहीं था। तो गीता ज्ञानदाता के स्पष्ट कर रहा है कि मैं तो लोकवेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। मुझे पुरुषोत्तम इसलिए मानते हैं कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे मैं तगड़ा हूं, इसलिए लोकवेद के आधार से लोकवेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। पुरुषोत्तम तो वो है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी प्रभात। अपुण्य आत्माओं, सुबह दास ने एक शब्द आपके सामने प्रारंभ किया था, सूक्ष्म वेद का, इस तत्व वेद का, वो क्या था? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। उस सुख के सागर सतलोक की को डिफाइन भी किया था कि सुख सागर किसे कहते हैं। सुबह सुख सागर को भी आपके सामने डिफाइन किया था, एक बार फिर करते हैं, क्योंकि प्रत्येक बार नई आत्मा प्यारी आत्मा आती है, कुछ एक हमारे भक्त साथ लाते हैं कि आप चलो हमारे महाराज गुरु जी का सत्संग सुनाओ, तो उनको भी हमने पहली कक्षा की तरह ए बी सी से प्रारंभ करना होता है। और पुराने भक्तों की आत्मा गदगद हो जाती है, 100 बार सुन लेते, ये तो लड्डू है पर देसी घी के, किसी टाइम खा ले तो बस टेस्टी लगेंगे। शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। कभी कभी किसी दिन, वो भी कभी हफ्ते 10 दिन महीने में कभी कभी होता है, एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, सभी किसी के प्रति भी आपका द्वेष नहीं रहता, कितना दुश्मन आपका शत्रु है, किसी ने कितना आपको दुखी कर रखा है, उसके प्रति भी सद्भावना आ जाती है। वो मेहर की लहर थी, वह हिलोर जो उठी थी वो अक्षिणी होती है, और उसके चले जाने के बाद फिर वो एक कैर टूट जाता है, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो मुझे ऐसा हानि कर गया, हे भगवान वो ऐसा हो गया, लड़का शराब पीता है, बेटी का पति दारू पी शराब पीता है, रोज पीता है उसने, हे भगवान क्यों कर गुजारा होगा बेटी का, यानी इस तरह की फिर वो कहर की लहर, बिजनेस में घाटा फरौना न्यू हो गया, ये कहर की लहर आपके ऊपर फिर टूट पड़ती है। वह एक हिलोर थी मेहर की, ना कोई किसी की चिंता थी, ना कोई शत्रु भी अपना सा लगावत लग रहा था। तो कहते हैं सतलोक में जाकर के आपको इतना सुख हो जाएगा। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। सुख सागर, समुद्र में जाने के बाद जो जहाज में जाते हैं व्यक्ति, वो बताते हैं कि हमने कहीं और दूसरी वस्तु नजर नहीं आती, जल ही जल, जल ही जल, सौरव जल जल। तो सतलोक में जाने के बाद दुख नाम की दूसरी कोई और चीज नहीं, सुख ही सुख, सुख सुख। जहां से हम आए हैं, आप यहां के रहने वाले नहीं हो, आप तो यहां अपनी गलती से फंस गए हो बच्चों, यहां से निकलने की पल्ला गांठ मार लो। और इस परमात्मा के ज्ञान को आपको इसलिए बार बार सुना जाता है कि आपके हृदय में यह सच्चाई सच्ची जच जा, फिर छोटी सी बात रह जाएगी। जहां आशा ता बासा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 में गीता ज्ञानदाता कह, मेरी भक्ति करेगा, मेरे गुणों से परिचित होगा, तो मेरे में भावना रहेगी तेरी, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। और उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में तत्वदर्शी संत बताओगे उस ज्ञान के आधार से, तो उसके भाव में भावित हो जाएगा। और ये नियम है
अंत समय में जो भी जिस भाव में भावित हो जाता है वो उसी भाव में भावित रहता है और उसी की साधना करके वो उसी को प्राप्त हो जाता है। तो अभी तक हम अन्य साधना करके ये चक्कर काट रहे थे, अब हमने ये तो पता है कि जाना पड़ेगा यहां से, मृत्यु तो होगी, ये तो गारंटीड बात है। ठीक है, हम मरना नहीं चाहते, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मृत्यु किस लिए भाई, फिर जो क्यों तो पैदा करे, फिर मार क्यों रहा है हमारे को ये भगवान। हम सतलोक में मरते नहीं थे, वह हमारी कभी मृत्यु नहीं होती थी, ना हम बूढ़े होते थे। अब जैसे जैसे भी वर्ण शरीर होता जाता है तो ये अपने आप को बूढ़ा मानना नहीं चाहता आत्मा, क्योंकि ये बूढ़ा होता ही नहीं था वहां पर, ना इसकी मृत्यु होती थी और ना यू मृत्यु होना पसंद करता। इसका धोखा सा लगा है, ये क्यों मर गए, हम मरने नहीं चाहिए थे। और बात तो यह भी ठीक है भी क्यों तो पैदा करे, यो तेरा यो मेरा इतना सब कुछ जोड़ बैठे, फिर एक मिनट में खत्म कर दे, पड़ो बाड़ में चल, कुछ भी कौन तेरा। अब ये बात आप सोच लो कि आपने जाना तो यहां से पड़ेगा। ठीक है, बच्चे कोई बुरे नहीं, रिश्तेदार बुरे नहीं, ये परमात्मा के बच्चे हैं। और हमारा एक न्यूज ऐसे समझ लो जैसे हम एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और एक कंपार्टमेंट में हम सह यात्री हैं। अब वहां आपका कैसा भाव होता, जो अच्छी आत्माएं हैं निकम्मी तो सारे दुखी कराया करें, अच्छी आत्मा होती है, कोई वृद्ध है उसको कहते हैं कि अंकल जी आपको जल लाता हूं, आपको बुखार हो गया, अभी गोली लाता हूं, जल लाओगा, गोली देगा, चाय लाओगा, पिलाओगा, उसके पैर दबन लाग जाए, सिर दबाओगा, यानी बहुत सेवा करते हैं। ऐसे ही कोई बालक है, कोई बच्चे को किसी हो सकता है तो उसको कहेगा आप बैठो, मैं अभी गाड़ी रुकते ही सामान लाकर लाऊंगा, दे दूंगा, बच्चा खुश हो जाएगा, ये रो रहा है। तो हम एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, हमारे अंदर दया रहे। तो ऐसे ही इस संसार रूपी गाड़ी में हम एक परिवार रूपी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, हमने एक दूसरे को प्यार से इस सफर को तय करना चाहिए। इसमें हम खेचा ताणी है, लट्ठम लट्ठा, छोटी छोटी बात पर झगड़ा, मुंह मोटा, मन मोटाव करेंगे तो वो थोड़ा सा सफर भी भारी हो जाएगा। तो हमने यहां इस तरह यहां रहना है, ये परमात्मा के बच्चे हैं, जो भी हैं हम एक ही परमात्मा से आए हुए हैं। तो प्रत्येक का जैसा भी जैसा हमारा कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य वो भी पूरा करे, बेटे का है वो अपने माता पिता के प्रति वो भी अपना खरा करे, ऐसे ही पति पत्नी का जो नाता है उसको भी ठीक ढंग से अपना निभाते हुए हम वहां सतलोक जाएंगे। तो मृत्यु तो आपकी होनी है और ये सब जिसको तू अपना मान रहा है ये भी छूटना है, एक दिन रहेगा नहीं, तो क्यों ना उस लोक की साधना कर लें जो परमात्मा खुद आकर बता गए। कम से कम आधा दर्जन संतों ने भगवान को देखा और फिर आकर के यही बताया, तो हम फिर सतलोक चले जाएंगे। बहुत ही आसान है परमात्मा पाना, सबसे आसान। जैसे रोटी खाना हम डेली बनाती, बहने सुबह और शाम दो दो तीन तीन टाइम बनाती है, उस खाना बनाने में कितना प्रयत्न है कि मनुष्य तो सारा दिन धंधा करे, खेत कितना कोई खेत में करे, कोई मजदूरी करे, कोई दुकान पे, कोई कहीं अपनी सरकारी नौकरी पे, और फिर 10 रुपये मिले उनका आटा नमक मिर्च और फिर हल्दी, फिर तवा परात बाल्टी, फिर कटोरी पतीला, पता नहीं क्यों सांग जोड़े, और फिर आटा नमक मिर्च बना के वह बहन बना हुआ रोटी गूंदे, फिर कितना, और फिर डेली करें, डेली प्रतिदिन दो दो तीन तीन बहे, और परमात्मा के नाम में कुछ भी ना लेना। उठ नाम, उठत नाम, बैठत नाम, सोवत जागवे, नाम खाते नाम, पीते नाम से ती दागवे। आप यहां से चलोगे घर तक जाते हो 2 घंटे लागे, 3 घंटे लागे, सुमन करता जा, वापस आ रहे हो यहां तक आओ सुमन करता जाओ, अपने दुकान पर जाते हो कोई ड्यूटी बजाता है, कोई खेत में काम करता है, मजदूरी करता है, रस्ते में भगवान का वो मंत्र है, कुछ भी तो ना करना, किसी को ये भी नहीं मालूम तुम कर क्या रहे हो, बस में बैठे हो, अपनी गाड़ी में बैठे हो या पैदल जा रहे हो, ये सिमरन करता जाओ मन मन में। तो इसमें कुछ भी ना ठा के लेना, और यू ना बढ़े, यू मन ना करने देता, क्योंकि इसने तो ठेका ले रखा हमें यहां फंसाए रखने का। तो इस ज्ञान के आधार से आपको डर लगेगा कि यदि पैर फसल गया फिर पता नहीं कब जा करके पीछा छुटेगा आपका।
तो इस भय से भक्ति होगी, भय बिन भक्ति नहीं होती। तो पुण्यात्माओं, जहां शंखों लहर वेहर की उपजे और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, अचल माने जो कभी नष्ट ना हो, कभी डगमग ना हो, अविनाशी जिसका नाश कभी ना हो, वो सुख सागर, वो सतलोक है। सुख सागर सतलोक पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। अब इस शब्द को के मन तू चल रहे सुखे सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरब बोरा कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा केन्या, मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण रासा। आपने अन्य साधना, सत साधना के अतिरिक्त और साधना ऐसी इतनी कठिन भी कर ली, घर भी त्याग दिया, जंगल में चला गया, वहां सारा दिन मांग कर किसी शहर में, गांव से जाकर नगर से एक बार रोटी मांग लाया, चार पांच रोटी लाकर खाली, दो खाली दो टांग दी वृक्ष के, और सबेरे वह सूखी खाली, एक दिन मांगने भी नहीं गया। इतना कठिन तनक साधना की, लेकिन फिर भी यथार्थ ज्ञान ना होने से क्या बन गया, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विश्वनाथ के लोक को जाके तो फिर भी उल्टा आया। हाय हाय, इंद्र स्वर्ग का राजा। अपने आत्माओं, हम तो यहां छोटा सा कोई मेंबर या एमएलए सरपंच एमएलए बन जा, या मंत्री बन जा, मुख्यमंत्री बन जा, या प्रधानमंत्री बन जा, तो फूला नहीं समावे। आत्माओं, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा कि किस अतिथि है इन राजाओं की। स्वर्ग का राजा इंद्र होता है, देवताओं का मालिक, देवताओं का राजा, देवराज बोलते हैं उसको, और उसकी के दुर्गति होगी। एक समय मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में साधना कर रहा था, और ये ज्ञानी आत्मा कहलाती है, ज्ञानी आत्मा। गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इनका विवरण है। चार प्रकार के साधक बताए हैं, ब्रह्म साधक, एक अर्थार्थी, एक एक आरथ और एक जिज्ञासु, और चौथे ज्ञानी। तो ज्ञानियों को गीता ज्ञानदाता कहता है, वो मुझे अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूं, क्योंकि ज्ञानी आत्माओं ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि वेदों में लिखा एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और नहीं करें, और उसका ओ ब्रह्म है, ब्रह्म का ओम मंत्र है। इसके साथ साथ ब्रह्मा से सुना हुआ हठ योग। तो मार्कंडेय ऋषि वहां बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे हठ योग करके, और तप से राज मिलता है। इंद्र को दो बात अच्छी नहीं लगती, कि कोई तप ना कर ले कि तेरी राजगद्दी छीन ले, और कोई यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक कर्म ठीक ना कर ले, कहीं तेरे गद्दी का दुश्मन ना बन जा। तो इसका चिंता बनी रहती है। इसको पता चला कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय ऋषि बहुत दिनों से सतप कर रहा है, और कहीं वो तेरी इंद्र की, क्योंकि तप से ये राज मिलता है, इंद्र की गद्दी मिलती है, एक धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करने से 100 मन देसी घी एक बार प्रयोग किया जावे, एक बार के अनुष्ठान में ऐसी ऐसी 100 यज्ञ की जाए, और वो मर्यादा उनकी टर्म एंड कंडीशन जो होती है वो खंड ना हो, तो इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। और इंद्र उस यज्ञ धर्म को होने नहीं देता, उसमें कोई ना कोई बाधा डलवा देता है। तो इंद्र को पता चला कि मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे हैं, और कहीं तेरी गद्दी का दुश्मन ना बन गया। क्या होता है कि वर्तमान जो इंद्र है वो तप से और अन्य यज्ञों से बनता है, और उसके साथ एक कंडीशन होती है कि तेरे शासनकाल में वो बेहतर चतुर्युग तक राज्य करता है। बेहतर चतुर्युग, एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चार युग आ जाते हैं। इन चारों युगों का 43,20,000 वर्ष बनता है समय,
और ऐसे 72 चतुर्युग तक इंद्र स्वर्ग का राजा पद पर रहता है, और उस दौरान कोई अन्य उस पद की प्राप्ति योग्य साधना कर लेता है तो उस वर्तमान इंद्र को पद से रहित कर दिया जाता है और उसको वो राज्य दे दिया जाता है। तो इंद्र के लिए यह समस्या और भारी रहती है, तो उसमें चिंता बनी रहती है। इंद्र को पता चला कि मारकंडे नाम का एक ऋषि बंगाल की खाड़ी में बहुत दिनों से बैठा है, कहीं तेरी गड़बड़ ना हो जाए। उसने उर्वशी भेज दी, औरत भेज दी डांस करने वाली, बहुत ही खूबसूरत, और उसको कुछ ऐसे सुंदर गाजे बाजे सिद्धि दे दी, वहां आसपास का ऐसा बढ़िया वातावरण कर दिया, बसंत बहार बना दी, और मीठी मीठी ऐसे जैसे घंटियां बजती हूं ऐसी आवाजें शुरू होगी। और मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली थी आधी बंद थी, वो उर्वशी डांस करने लगी, खूब डांस करके वह थक गई। लास्ट में उसने अपना कमर का नाड़ा भी तोड़ दिया, नी वस्त्र होगी। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे बेटी हे बहन, आप यहां किस लिए आई? तब वो शर्मिंदा हो गई, वस्त्र पहन कर कहने लगी कि हे मार्कंडेय ऋषि, मेरे इस रूप को देखकर इस बनखंड के इस जंगल के जितने भी साधक थे उनका तो मन डगमग हो गया, उनकी तो जो है नीयत खराब होगी, और आप पता नहीं आपकी योग समाधि कहां गई हुई थी, ये तुम जानो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इस समय मेरी समाधि यानी मेरा ध्यान ब्रह्मलोक में था, ब्रह्मलोक में जो नाच करती है डांस करती है उर्वशी, वहां तेरे जैसी तो उनकी नौकरानी है, फिर मैं तुम्हें के देखूं तेरी तरफ क्या आकर्षित हो। पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आप देखना कितना निखार होगा इस ज्ञान का। अब देखो, हम कोई बैठा है साधना करता है, आंखें बंद कर रखी है या खोल, आंखें खुली हो चाहे बंद, ये ध्यान जैसे हम असाम कहीं खड़े हैं और कहीं चल बातों में इतने मस्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं, पता भी नहीं हम कहां से गुजर गए, और ऐसे ही जैसे पास के बस निकल जाती है हॉर्न देती हुई और हम वहां किनारे खड़े बतलाते हैं, हमें वो हॉर्न भी ना सुनता उसका कई बार, तो ऐसे ये ध्यान होता है। तो जिसने जहां तक की समाधि उसकी अभ्यास हो गया तो ओम नाम के जाप से इनकी समाधि इस ब्रह्म लोक तक पहुंच जाती है। और जैसे कोई हठ करते थे ये कई वर्षों तक बैठे रहते थे, वैसे नहीं बैठ सकता इंसान। क्या होता है कि समाधि जब अभ्यास कर लेता मेडिटेशन का तो हमारे अंदर का कोई कमल खुल जाता है, और उस कमल के जैसे कोई टीवी चैनल होते हैं हमारे शरीर में, ऐसे कमल बने हैं। टीवी में न्यारे न्यारे चैनल होते हैं, जो सा भी चैनल ऑन कर दिया जाता है उसमें चल रहे प्रोग्राम आपके सामने दृष्टिगोचर हो जाते हैं। ऐसे समाधिस्थ व्यक्ति ऊपर के नजारे देखता रहता ना तो 5 मिनट भी ना बैठने दे, यू मन इस मन को यहां से अच्छी बकवाद शरीर में दिखाई देती है, तो इसलिए वो देखता तो ये बकवाद है, हमें लगता है कि वो तप कर रहा, साधना कर रहा, और उससे तप बन जाता है, फिर उसका तप से राज्य प्राप्त हो जाती है, हो जाता है, ऐसे इसकी दुर्गति होती है। अब मार्कंडेय ऋषि वहां बैठा और बैठा बैठा डांस देख रहा है सुब्रम लोक में, और वहां भी डांस से देख रहा है वो, और उस अब वहां बहुत सुंदर औरतें हैं ब्रह्म लोक की, और सामने वो कौन थी, इंद्र की पटरानी थी जो सामने डांस कर रही थी, और वो उसका पसंद ना आई। अब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई और सुंदर हो ना उसने भेज दे। अब वो क्या कहती है उर्वशी के, इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, अर्थात मेरे से सुंदर अप्सरा स्वर्ग लोक में नहीं है। तो मार्कंडेय ऋषि बोला, तू यहां किस लिए आई? कि उसने बताया कि मैं आपको इंद्र के लोक में स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए आई, कि आप मेरे पास आकर्षित हो जाते और तेरा युग खंड हो जाता और मेरी इज्जत रह जाती वहां, नहीं तो मेरी हंसी करेंगे कि तू यहां से बनकर गई थी सबसे सुंदर और सबसे अच्छी तू उर्वशी है, तू भी आ जाई, मेरी वहां बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए आप एक बार मेरे साथ स्वर्ग चल पड़ो।
मार्कंडेय ऋषि बोला, एक बात सुन बेटी, जब ये इंद्र मरेगा तो के करेगी, फिर किसने करेगी खसम? उर्वशी बोली कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। अब ध्यान से सुनना पुण्यात्मा, ये कहां निखार होगा इस तत्व ज्ञान से, क्या निर्णय होगा, ध्यान से सुनना। अब जैसे वो सची नाम की जो इंद्र की पटरानी है, वो पुण्यात्मा कितनी अच्छी आत्मा थी कि उसने किसी मनुष्य जन्म में इतने पुण्य किए हैं, इतनी साधना की है कि उसको स्वर्ग का सुख, यानी 14 इंद्रों के साथ रहने का समय उसका स्वर्ग का बना हुआ है। एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी चतुर्युग है, 72 चौकड़ी युग है, 72 चतुर्युग है, और ऐसे ऐसे 14 इंद्रों का कितना शासन काल हो गया, 1008 चतुर्युग, अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन। इतना लंबा समय है उस सची नाम, उस जो इंद्र की पटरानी है, उस पुण्यात्मा का। अब वो क्या कहती है कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र मेरे पति होंगे। यो इंद्र मर जाएगा, दूसरा इंद्र जो तप कर रहा है उसको इनकी वेटिंग लिस्ट लग रही है, और वो दूसरा जो है वो यहां आवेगा, वो मेरा पति होगा, उसको वरूंगी। फिर मार्कंडेय बोले वो 14 भी मरेंगे, फिर के करेगी? तो वो कहने लगी मैं फिर मृत लोक में यहां पृथ्वी पर गदी बनूंगी, और जितने अंदर में भोगूंगी, जो यहां स्वर्ग के राजा होंगे वह गदे बनेंगे। अब मार्कंडेय ऋषि बोला कि एक बता बात, जब तू कहे कि मुझे फिर वहां किस लिए ले जा रही थी कि वह कहती है मेरी इज्जत रह जाएगी, तू आज भी गदी, क्योंकि 14 खसम करेगी, और मरे पाछे तू आप कहती है कि मैं सीधी गदी की यूं नहीं जाऊंगी, तो उसमें भी गदी, फिर गदी के इज्जत के है ना लाए कहीं की इतना क्या है का बिना जेरा। अपुण आत्माओं, इंद्र आ गया वहां पर, इंद्र स्वर्ग का राजा आके कहने लगा कि हे बंद निवाज, तुम जीते, आप जीते हम हारे, और इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि बोला रे रे इंद्र, इंद्र की गद्दी मेरे किसे काम की नहीं, इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है, आजा तुझे ब्रह्मलोक की साधना बताता हूं, ब्रह्मलोक की साधना कर ले। अब देखो पुण्यात्मा, जिसको जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 32 31 तक स्पष्ट किया है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ब्रह्म तक की साधना में ही अपने प्राणों को झोंक रहा है, जीवन नौछार किए बैठा है, तो सभी अपनी साधना को पाप नाशक मान के कर रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ मान के कर रहे हैं। अब मार्कंडेय ऋषि जी ने ब्रह्म तो ऊपर ज्ञान, क्यों ब्रह्म तो ऊपर किस से ज्ञान को नहीं, तो कहता वो उसने ब्रह्म लोक का महास्वर्ग का पता था, और वहां उसकी समाधि जाती थी, काल ने ऊपर बहुत भयंकर जाल बना रखा है, ब्रह्म लोक के अंदर बहुत ज्यादा पार्ट बना रखे हैं, और प्रथम पार्ट ऐसा है जो महा इंद्र का स्थान है, उसको ये ब्रह्म लोक मान रहा था मार्कंडेय ऋषि, वहां एक महा इंद्र है महास्वर्ग में, तो ये न्यू कह है ब्रह्म इंद्र को, कहता है स्वर्ग लोक वाले इंद्र को, कोमन स्वर्ग के जो राजा को, कि आजा इंद्र तो ब्रह्म की साधना कर ले, तुझे ब्रह्म की साधना बता दू। अब इंद्र क्या कहता है, अब पुण्यात्माओं यहां बिगड़ रही है सारी बात है। अब मार्कंडेय ऋषि ने बताया कि इंद्र तू मृत्यु के बाद गदा बनेगा, जब तेरा शासन काल पूरा हो लेगा तो गदे की ओर निकल जाएगा, उसको भी पता इस बात का, हाँ जी ऐसा ही होगा, लेकिन वो नाच गाने स्वर्ग के, और देवता लोग भी नतमस्तिक हो और वो डांस रहे सारा दिन, वो ना छूटती गुटी छूटी लानी इन पे, इन देवताओं की उड़ा देवदारू है अलग से मदिरा पीवा ये भी, तो वो ना छूटते नजारे, वैसे गदा बन जा।
अब इंद्र क्या कहता है कि हे ऋषि जी, इब तो मने इंद्र के राज भोगण दो, फिर देखेंगे, फिर बोलो, फिर के देखेगा गधा बने पाछा बता, फिर तो कुमार देखेगा, दो मारेगा लठ कमर पे और ढाई मन का बोरा कड़ पे और चल बच्चा। अब इसी प्रकार आप किसी को समझाते हो कि नाम ले लो। अब जैसे आप किसी को कहते हो भाई नाम ले ले और ज्ञान सुनाते हो, वो मान जाता है, ज्ञान तो बहुत बढ़िया भाई, फिर आजा नाम ले लूंगा, फिर देखूंगा, फिर के देखेगा, क्यों वो सामने गुटी लावे और फिर सुनी में देख डरियो बकवाद, वो सारी छोड़नी पड़ेंगी। तो फिर वो नू कहे फिर देखांगे, तो अब तो रहने दे, फिर के देखा जो गधा बन जाएगा, फिर तो कुमार देखेगा भले आदमी तेना। तो ऐसे ही वो नाम भी ले ले, पता भी लग गया कि अदुर्गति हो जाएगी भगवान की भक्ति ना करने से, पर वो विकार ना छूटते, ये तो सतगुरु रजा करेंगे, इस ज्ञान में रह रहकर गोते मारे, सत्संग को सुने, फिर ये विकार भी छूटेंगे और परमात्मा की आस्था घनी बढ़ जाएगी। अब यहां क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी। एक बार क्या बताते हैं कि मार्कंडेय ऋषि बैठा था और कीड़ियों की नाल को देख रहा था, ये कीड़ी का नाल चलता है ना कतार, इधर की दुर्भाग रही है, कोई दुर्भाग रही है लाखों करोड़ों की संख्या में, और स्वर्ग का राजा इंद्र पीछे आकर खड़ा हो गया, काफी देर देखता रहा कि ऋषि जी किस चीज के ऊपर इतना ध्यान लगाए बैठे हैं। तो कुछ देर के बाद कहने लगे, सामने खड़ा होकर कहने लगे, नमस्कार प्रणाम ऋषि जी, कहा आओ महाराज, कैसे आए इंद्र, कि मैं आपके दर्शन अर्थ आया था, आप क्या देख रहे हो, मैं बहुत देर से खड़ा था आपके पीछे, आपको देख रहा था, आप क्या देख रहे हो उन चीटियों में। मार्कंडेय ऋषि बोला कि इन मैं ये देख रहा हूं कि अपनी दृष्टि से ये देख रहा हूं कि कौन सी चीटी कितनी बार इंद्र की पदवी को भोग चुकी है स्वर्ग के राजा की। अब इंद्र तो थर थर कांपन लग गया कि हे बंद निवास, क्या ये चीटियां भी कभी इंद्र रही हैं? हां कई कई बार, इनमें एक चीटी ऐसी है जो एक बार इंद्र रही है, ना तो कई तो कई कई बार इंद्र की पदवी पाके धके खा रही है। अपुन आत्माओं, परमात्मा क्या बताना चाहते हैं आपको, अब इस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए सारी भूमिका बन रही है, इस शब्द को समझने के लिए सूक्ष्म वेद परमेश्वर की वाणी कबीर जी की वाणी इतनी जो गहन है गूढ़ है, इसको समझना बड़का का खेल नहीं है। ये तो परमात्मा की कृपा हुई इस दास के ऊपर, इस गूढ़ रहस्य को आपके समक्ष अब ये क्लियर कर रहा है। कबीर जी की दी हुई बुद्धि है, दास की इसमें अपनी बुद्धि नहीं, परमात्मा की दी हुई बुद्धि है, और यही फिर आपको बांट रहा है दास, आप भी ऐसे हो जाओगे। लेकिन आप नाम दान करने योग्य नहीं हो सकते, ना भूल कर करना, नहीं तो आपका भार बनेगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मावरुण धर्मराया और विष्णु नाथ के पुर को जाकर तुम फिर भी अकूठा आया। अपुण आत्माओं, ब्रह्मा जी का कितनी आयु है, 1008 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि, हम लमसम इसको 1000 चतुर्युग मानते हैं, एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष, ओ तेरा गजब युग, और ऐसे ऐसे चतुर्युग 1000 उसका दिन, इतनी ही रात्रि, फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी से 7 गुणी विष्णु जी की आयु अधिक, और विष्णु जी से 7 गुणी शिव जी की, 7 ब्रह्मा मर जाएंगे तो एक विष्णु मरेगा, 7 विष्णु मरने के बाद एक शिव मरेगा, और 70,000 शिव की मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल मरेगा। ये कहता है मेरा और जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर क्या होगा कि एक ब्रह्मांड का पूरे का नाश हो जाएगा, और वो एक युग होगा परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, उस अक्षर ब्रह्म का,
और सिर्फ एक ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। ये काल और दुर्गा दोनों मरेंगी, सभी प्राणियों का सतुल शरीर नाश हो जाएगा, सूक्ष्म जीव रह जाएगा। इस ये सभी फिर दूसरे ब्रह्मांड में ले जाएगा काल इनको, वहां दुर्गा का और इसका जन्म परमात्मा कबीर जी द्वारा दी गई उस आशीर्वाद से स्वयं ही दूसरे लोक में जाकर इन दोनों स्वयं ही युवा शरीर बन जाएगा। इनका फिर अपने संयुक्त दोनों के स्त्री पुरुष कर्म से फिर रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उत्पत्ति होगी। फिर आगे दूसरे ब्रह्मांड में ये काल की सृष्टि फिर प्रारंभ होगी। तो ये एक युग होगा परब्रह्म का, उस अक्षर पुरुष का, उस ऐसे बने हुए 1000 युग का दिन परब्रह्म का, 1000 युग की रात उस अक्षर पुरुष की, और 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु होगी उस अक्षर पुरुष की। और फिर भी उसकी मृत्यु, उसकी आयु फिक्स है 100 वर्ष की, इस प्रकार बने हुए वर्षों की, तो उस अक्षर पुरुष की आयु, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कुछ चिर स्थाई बोला है। लेकिन फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोक तरम आविश्य विवर्ति अवय ईश्वर है, वो अवय माने वो है अविनाशी ईश्वर परमेश्वर, जो इन दोनों से न्यारा है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु वितरी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी, क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, वो सतगुरु नहीं मिला। आगे क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों न मर रे, द्वादश मध्य मल मुठ बोरे बहुर न दे धरे रे। जीवित मरना किसे कहते हैं, जैसे आप देखते हो एक पीछे अखबारों में आई थी, वो किसका राष्ट्रपति था, पोलैंड का, पता नहीं कहां कहां उमंग थी, पूरा कैबिनेट मर गया एक सेकंड में, खत्म हो गया। और भी बहुत सी घटनाएं यहां प्रतिदिन हम देख रहे हैं। तो फिर मान लीजिए किसी को बहुत जरूरी काम होते हैं, सफर में जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, वो काम धीरे धीरे रह गए, दोबारा उनको नहीं जा करके सेट कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं तुमने भाई भगवान पाने के लिए जीवित मरो। जीवित मरना कैसे है, जैसे ये 3 दिन का सत्संग होता है, महीने में ज्यादा नहीं तो 2 दिन जीवित मर लो। कैसे मर ले, वन्यो सोच ले भी आज आपकी मृत्यु हो जा, ये तो होनी तो है पुण्यात्मा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और आज मान ले मृत्यु हो गया, गया परमानेंट काम पे, ना घर न संभाल सकता, ना बच्चा न संभाल सकता, ना कोई कुछ भी हो फिर बाद में। और यदि आप 2 दिन जीवित मर लो, न्यू सोच लो कि हम मर गया, हमारी मृत्यु होगी और चल सत्संग में चलते हैं, आप 2 दिन 3 दिन यहां आ गए। अब मान ले उस दौरान कोई काम बिगड़ भी जाएगा, कोई आपको वैसे तो होया नहीं करती हानि, भगवान के तरफ चलते हैं तो आपका दूना लाभ होगा, ये गारंटेड बात है। लेकिन आपकी उस पिछली सोच को उत्तम आगे रखते हुए मान लीजिए आपको कोई हानि हो जाती 3 दिन में, आप फिर सेट कर लियो, और जब परमानेंट मर गए फिर भी तो यहां छुटकारा हो, कुछ भी ना कर सकते। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों न मर रे, द्वादश मध्य मल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। अभी तक सभी 10वां द्वार बताया करते, 10वां द्वार में भगवान मिलो, 10वां द्वार ये तो 12वें द्वार में जाकर परमात्मा प्राप्ति है। 10वां द्वार तो इस एक ब्रह्मांड तक रह जाता है, 11वां द्वार है 21वें ब्रह्मांड को पार करके और सत्संग ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, और 12वां द्वार है सत्संग ब्रह्मांड को पार करके और सतलोक में प्रवेश करता है। उस 12वें द्वार में कहते हैं द्वादश मध्य महल मठ बोरे, जहां जाने के वो वहां पर वो सतलोक रूपी महल है, तेरा सतलोक रूपी स्थान है, वहां जाने के बाद फिर बहुर ना दे धरे, तेरा फिर जन्म नहीं होगा। द्वजग भी सभी तय देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। आपने दिन में महावीर जैन जी का इतिहास देखा,
कितनी बार नरक में गया, कितनी बार गधा बना, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, वो तेरा गजब हुई, और केवल 80 लाख बार देवता बना, 80 लाख बार स्वर्ग में गया देवता बना, और पता नहीं करोड़ों बार गधा, करोड़ों बार कुत्ता, बिल्ली, हाथी, वैश्या, पता नहीं के वृक्षों तक बना। क्या बताते हैं? और फिर नरक में गया, और फिर महावीर जैन बना था 363 पाखंड मत, और पाप का भाग्य होगा दुनिया को भ्रमित करके काल प्रेरणा से। दोजक माने नरक, बहिष्ट माने स्वर्ग, दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाठ के रसिया, और तीन लोक से तरपतना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की संतुष्टि नहीं हो सकती, इसको जैसे किसी के पास एक छोटा सा प्लाट है, तेनो सोचा है भगवान एक दो कम एक कमरा एक रसोई बन जा, बस इसमें गुजारा हो जा, वो बन जा। फिर तो सोचा एक प्लाट और ले लूं, वो भी ले लिया, इसमें एक मकान और बना दूं, दो बच्चे हैं नारे नारे ठीक रहेंगे, सारी उम्र जोड़ तोड़ में हो जा, फिर मृत्यु हो जा, मृत्यु होगा कुत्ता बनकर उसी मकान के पिछले कान बैठेगा, आगे अंदर भी कोई नहीं बढ़न देश को। अब कोई MLA बन जाता है तो उसकी नीयत रहती है कि मैं कब मंत्री बनूं, मंत्री बन जाता है उसकी नीयत बन जाती है कि मुख्यमंत्री पद में लाए, मुख्यमंत्री पद प्राप्त करके सोचा इब का प्रधानमंत्री का सूत बैठे तो आनंद हो, और फिर मनमान मृत्यु को प्राप्त हो जाए, सोचे सोच में फिर गधा बना पावा कित। कहते इसको तीन लोक भी दे देना, इस मन को तीनों लोक का राजा बना दे तो भी ये संतुष्ट नहीं हो सकता। इसकी संतुष्टि इस ज्ञान से होगी। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। परमात्मा कहते हैं सतगुरु मिले तो यहाँ की इच्छा मिटे, सारे इतिहास बता देगा कि तू ये बनेगा तो भी तू मरेगा, इतनी उम्र होगी तो भी तेरी मृत्यु होगी, दुर्गति होगी, ये तो असंग जन्म तनम मृत्या होगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, पद शास्त्र अनुकूल वे ऑफ वर्शिप पद्धति पूजा की शास्त्र अनुकूल साधना मिल है, और फिर उस परम पद को समाएगा, उस परम पद की प्राप्ति होगी। गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधकार को काट के उसके पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर साधु साधक संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मंडों की रचना की है, यानी जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, तो यह क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। आदि अमर सदा रहने वाला शाश्वतम स्थानम, चार मुक्ति जांचंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर सब मिले राम अविनाशी। यहां की ब्रह्म साधना करने से, अन्य साधनाएं करने से चार मुक्ति मिलती है, और उन चारों मुक्ति प्राप्त भक्त भी फिर दोबारा जन्म मृत्यु माता ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। कहते हैं ये चार मुक्ति का सुख तेरे वहां चरणों में सदा पड़ा रहेगा सतलोक में। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होगी, सदा सुखी हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव की। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब अल्लाहू अकबर जी की कृपा से आज हम सभी इस शुभ समागम में उपस्थित हैं। जिस पुण्यात्मा पर परमात्मा की विशेष रजा होती है वही इस शुभ समागम में पहुंच पाते हैं,
पुण्यात्माओं, मानव शरीर पाकर के जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। परमेश्वर कबीर देव जी अपने सतलोक से चलकर आते हैं, हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को ये याद दिलाते हैं कि जिस क्रिया को तुम करके संतुष्ट हो और जिस कार्य को तुमने अंतिम मान रखा है, ये तुम्हारा वास्तविक कार्य नहीं है। कौन सा कर्म हम करते हैं, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, उनका विवाह, उसके उपरांत मृत्यु की तैयारी। हमने यही मान रखा है कि हमारा इतना ही कर्तव्य है, इतना ही काम है, बच्चों की परवरिश कर दें, इनका विवाह कर दें, इनकी सेटिंग ठीक हो जा और फिर हम बेशक मर जावा। जैसे ये दास पहले तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था, अन्य साधना भी क्या करता था, लोक वेद के आधार से भक्ति भी करते थे, लेकिन हमारी माइंड की सीमा, बुद्धि की सीमा इतनी ही थी जो हम लोक वेद से सुना करते थे कि एक समय दो तीन बुजुर्ग बैठे आपस में बातें कर रहे, अपने अपने घर की कुशल बता रहे, पूछ रहे। एक कह रहा था कि मेरे चार दो लड़के हैं, दो लड़कियां, चार संतान है, सबका विवाह कर दिया है, सबका बढ़िया रोजगार है, अपना अपना धंधा करके वो ठीक गुजारा कर रहे हैं, सबके पूरा संतान है, लड़के लड़कियां प्रत्येक के पास है। और क्या कहता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा तो जीवन, मेरा काम कंप्लीट हो गया, भगवान बेशक उठा ले, परमात्मा बेशक उठा ले, यानी मेरी बेशक मृत्यु हो जाए, मेरा काम पूरा हो गया। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि उस नालायक ने काम तो शुरू भी ना किया जो मनुष्य जीवन का था। पुण्यात्माओं, मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरिनाम, परमात्मा कबीर जी कहते हैं, तो जैसे कुआ जल बिना कर बनवाया क्या काम। जो कार्य वो बुजुर्ग बता रहा था कि मेरा काम पूरा हो गया, बच्चों की शादी कर दी, इनका परवरिश कर दी, ये क्रिया तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, ये क्रिया तो हमारे से भी अच्छा प्यार से ये पशु पक्षी भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। आप देखते हो चिड़िया होती है, कोई भी पक्षी है, जब वो बच्चे अंडों से निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो उनके लिए अपने मुख में उनका आहार लेकर आता बाहर से और अपने बच्चों को खिलाता है। अपने मुंह से निकालकर दूसरे को खिलाना, बच्चों को खिलाना, कितनी ममता है उसके अंदर, कितना प्यार है उनके प्रति। और पुण्यात्माओं, यही क्रिया हमने की, यही वो पक्षी कर रहा है। पक्षी की भी मृत्यु हो जाएगी, हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, तो उस पशु और पक्षी में और इस मानुष जीवन में अंतर क्या रहा। परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई है, 84 लाख जूनियों में कोई कुत्ता है, कोई गधा है, कोई सुअर है, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर मक्खियां हैं, जंगल के जानवर हैं, जल के जलचर हैं।